भावनाएं आपके अपने अंतर मन से जुड़ी भावनाएं, आपके अपनों से जुड़ी भावनाएं, आपकी कार्यशैली से जुड़ी भावनाएं। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। इनर वेलनेस एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैडम मधु पंडित जी और उन्होंने टीम, उन्होंने काफी देर तो साडा चल रहा सीगा वार्तालाप के असी मुलाजमान जिहड़े कि पुलिस की लाइफ ते जिहड़ी ड्यूटी है बड़ी टफ है और वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कितें भी इमीजिएटली लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, कोई क्राइम हो गया, उस संबंध दे विच ये प्रोग्राम अज ऑर्गनाइज किया गया सी मोहाली पुलिस के सारे ऑफिसर्स ते मुलाजमान लई। उहदे च बेसिक मुद्दा यह सी कि माइंड नूं रिलैक्स किया जाए तो उहदे च बड़ा अच्छा फीडबैक सानूं मिलिया। मैं भी सारे सीनियर ऑफिसर्स ने मैडम साडे जिहड़े एस पी हैडक्वार्टर हैं डॉक्टर ज्योति यादव जी और बाकी ऑफिसर्स ने भी सारे ने बड़ी अच्छी फीडबैक दी और मुलाजमान ने भी, और मैनूं अच्छा लग्या कि ईवन मीडिया वालों भी अच्छा फीडबैक आया बिकॉज तुसीं भी सारे ने एक्सरसाइज की है। सो एक मच नीडिड ब्रेक हैगी है पुलिस ऑफिसर नूं अपनी रोज़ दी लाइफ दे विचों, तो असीं अग्गे भी इस तरह ये प्रोग्राम जारी रखांगे। सर, स्ट्रेस तो पंजाब पुलिस में आपके सामने ही है, रहता ही है, क्योंकि जिस तरह की उनकी जॉब है, पूरा दिन खड़े रहना धूप में, बारिश में, कोई धरना है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो स्ट्रेस तो हम सबके जीवन में है पर उनके जीवन में हमसे भी कहीं ज़्यादा है। तो इन्हीं प्रोफेशनल्स को सोचते हुए हमने ये पिछले 2 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं इस मेडिटेशन को बनाने के लिए या ध्यान को बनाने के लिए। सो ये जो ध्यान है इसमें 2 टेक्निक्स को मिक्स किया गया है, वॉइस ओवर को और साउंड बात को, यानी साउंड वाइब्रेशन को, ना दोनों टेक्निक को मिक्स किया गया है ताकि जो स्ट्रेस है वो शारीरिक स्तर का स्ट्रेस बाहर निकले, मानसिक स्तर का स्ट्रेस बाहर निकले और भावनाओं के स्तर पर जो स्ट्रेस है वो बाहर निकले। तो ये जो मेडिटेशन है 3 स्टेप्स में आई है। सो सबसे पहले हम फिजिकल स्ट्रेस को बाहर निकाल रहे हैं, शारीरिक स्तर का जो तनाव है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, फिर मानसिक स्तर का जो तनाव है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो हर स्तर की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग है, शारीरिक स्तर की फ्रिक्वेंसी अलग है, मानसिक स्तर की अलग है, विचारों के स्तर की अलग है, भावनाओं के स्तर की अलग है। तो हर फ्रिक्वेंसी पे याशिका जी ने, हमने बहुत कंपोज किया है इसको, बहुत सोच समझ के, बड़ी डिस्कशन में करके किया है। और केवल याशिका जी ही नहीं, इसमें डॉक्टर मेघना का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनके बिना ये मेडिटेशन कंप्लीट ही नहीं थी। क्योंकि देखिए, जब हमने पूरे इसको भारत में लेके जाना है तो उस पर पूरी गहरी चर्चा, उस पर पूरा रिसर्च, तो वो अकेले तो नहीं हो सकता है ना, टीम में ही।